वेलकम टू आइडिया क्लासेस फ्रेंड्स, मैं रेलवे का मैथ में डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न से कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं, जो मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। यह वीडियो का पार्ट नंबर 7 है। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो सबसे छोटी भिन्न पहचान करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है 4/9 है, दूसरा है 5/4 है, तीसरा है 3/8 और चौथा है 6/7। इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, तो अंश ऊपर वाला को अंश बोलता है, उसमें 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो 50, इसमें 10 से करेंगे तो 30, इस ऑप्शन करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसलिए बन गया 40/9। इसको इस 40/9 इसको भाग देने पर कितना आएगा, तो भाग देने पर इसको इसमें आएगा 4.44। इसको अगर भाग देंगे 50/4 को भाग देंगे तो ये 12.5 आएगा। ये 8 है, ये 8 से 30 में देंगे तो 8 3 24 और ये बच गया 7 6, तो 8 7 56 यानी 8 3.7 और ये बच गया, ये कितना लगा था 8 7 56 यानी 8, ये 8 7 56 8 पॉइंट और कुछ कुछ आएगा। तो ये देख लीजिए इसमें कितना है, तो पहला में 4, दूसरा में 12, तीसरा में है 3 और 8, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा ऑप्शन ये है यानी 3/8 होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव को प्रदान करता है? वैसा दशमलव जिसका अशांत हो, जो रुकता नहीं हो, जैसे 3 3 3 लगातार है, उसी को आवर्ती कहते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो पहला ऑप्शन है 21/30 है। इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऊपर 1 0 से गुना करते हैं यानी 10 से गुना करते हैं, इसको काट देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये 7 बार में कट जाएगा यानी 7 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं 21/120 है। इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर से 10 से गुना कर देंगे तो ये कितना बार में लग जाएगा, तो ये 1.75 आ जाएगा। और इसको अगर हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन सी को, 21/60 है, उसको हम ऊपर कितना से 10 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो 10 से गुना करेंगे 3.5 हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन 21/60 को अगर हम 21/90 को अगर हम ऊपर 10 0 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, कितना बचेगा, तो 2.33 आता जाएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, 33 आता जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मूल्यांकन करें, क्या कहता है मूल्यांकन करें, कहता है तो ये लिखा क्वेश्चन है 0.623 के पावर क्या है, तो इसके पावर है, इसका रेकरिंग है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 6 से 2 3 6 से 2 3 में जितना का रेकरिंग नहीं है यानी कितना किसका रेकरिंग नहीं है, तो 6 का रेकरिंग नहीं है, 6 घटा लेंगे, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको 0 लिख देंगे, उसके बदले 0 लिखेंगे, कितना हो गया, इसको घटाने पर कितना आएगा, तो 13 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ये बच गया 11 का 1, ये 5 सॉरी 11, ये बच गया 1 2 1 बच गया, ये आ गया 6/9 9 0, यही आपका, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है 0.18 है, 0.18 के पावर रेकरिंग है, किसका रेकरिंग है, तो 8 का है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो 1/8 में से 1 घटाएंगे बटा जिसका रेकरिंग है यानी 8 पर रेकरिंग है यानी 9 लिखेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लिखेंगे, कितना आएगा, तो 17/90 यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.06 से 54 का रेकरिंग है, 5/4 पर रेकरिंग है, इसको बनाने के लिए क्या है, तो 0.06 से 5/4 है, इस पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग है 5/4 पर रेकरिंग है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 6 से 5/4 माइनस का क्या, तो 0.06 है यानी सिर्फ 6 हो जाएगा। वाई कितना पर रेकरिंग है, तो 2 पर रेकरिंग है यानी 2 9, जितना पर रेकरिंग नहीं उतना 0, तो यानी 2 पर नहीं है 2 0, इसको घटाने पर कितना आएगा, तो घटाने पर आएगा 6 4 8/9 9 00। अब इसको ये ऑप्शन में नहीं है, इसको आसान से काटने में ये 18 बार में कट जाएगा और ये कितना बार में कटेगा, तो 2 7 5 यानी कितना आता 18/2 7 5 यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 0.04 7 6 1 9 ये रेकरिंग है, कितना पर है, तो पूरा पर रेकरिंग है, तो ये इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आसान जी ये तो 4 7 6 1 9 किसी के पर अगर रेकरिंग नहीं है तो कुछ नहीं घटेगा, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 यानी 1 2 3 कितना 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी कितना, तो 6 9 यानी 1 2 3 4 5 6 6 पर 9 लगेगा तो कितना आ गया, तो इसको आसान इसको फिर कटेगा कितना बार में, तो ये कट जाएगा कितना बार में, इसको भाग देने पर ये कटेगा 21 बार में कट जाएगा यानी 1/21 इज राइट आंसर यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से किस भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं है, किसका है जो आवर्ती दशमलव नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बनाने के लिए इसको करेंगे, इसको अगर 0 0/30 0/30 है, इसको अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 10/30 है, तो इसको भाग देने पर कितना आएगा, तो 0.3 आएगा, 0.3 के पावर रेकरिंग 3 3 आते जाएगा, अगर भाग देंगे तो 12 को अगर भाग देंगे 12/30 को अगर हम भाग देंगे ऑप्शन बी में, तो ये कितना बार में जाएगा, तो इसको ये आसान से काटने, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे तो सिंपल फॉर्म में 12/30 है, 12/30 को हम काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये 5/5 में कटेगा यानी 2/5, इसको भाग देने पर 0.4 आएगा यानी इस पर कोई रेकरिंग नहीं, इस पर ऑप्शन सी को अगर चेक करते हैं, ऑप्शन सी है 14/30 है, इसको अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 0.05
इसको आसान करने सिंपल फॉर्म में कर देंगे तो सिंपल फॉर्म में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 7 से और ये कितना बार में तो 15, यानी 7/15 इसको अगर भाग देंगे तो कितना आएगा तो 0.466 आता जाएगा, यानी 6 पर एक नहीं, तो यानी ऑप्शन डी भी को भाग देने पर, ऑप्शन डी को हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी है 8/30 कितना है तो 8/30 है, इसको अगर हम भाग देते हैं कितना आएगा, इसको भाग देंगे तो 0.266 आता जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन होगा जब हो जाएगा जिस पर एक रिंग नहीं, यानी ऑप्शन बी ये वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट है, यानी 12/30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लिखा गया है कितना, इस क्वेश्चन को देखने के लिए 0 0 कितना लिखा है, तो इस क्वेश्चन में 0.0236 लिखा है, 36 पर एक रिंग है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे तो 236 से माइनस का 2/ जितना पर एक रिंग है उतना 9, जिस पर एक रिंग नहीं उसका 0, इसको घटाने पर आएगा 234/ का 9 9 पर 2, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो इसको काटेंगे तो ये 17, ये कितना बार में है 117 बार में कटेगा, ये कितना बार में 2 बार में कटेगा तो ये 4950, इसको फिर काटेंगे, इसको फिर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा तो ये कटेगा 13, और ये कितना बार में ये 550, यानी 13/550, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/11 यानी 11/7 से अगर भाग देंगे तो 0, यानी 0.0 लगाएंगे, 0. कितना बार में लगेगा तो 6 बार में लगेगा, 11 6 8 बचेगा कितना, तो बचेगा 10 में से 6 गया तो 4 बच्चे 0, तो यहाँ के बारे में तो 10 3 11 3 33 यानी कितना बार में लगेगा तो 33 बार में लगेगा, यानी 11 3 33 तो बचेगा कितना तो 7 फिर आ जाएगा, तो यानी 3 3 आते जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो 0.633 पर क्या होगा तो रेकरिंग हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो रेकरिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.56 किसका तुल है, तो कितना लिखेंगे तो 5/6/2, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं 1.427 के पावर एक रिंग है, तो 1.4 तो इसको क्या लिखेंगे तो 1+1+427, यानी इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कितना का 27 के पावर एक रिंग है तो 1+427 माइनस का 4/ कितना रिंग है तो 2 पर एक रिंग है 2 9 1 0, इसको और बनाने के लिए क्या करेंगे तो 1+7 में से 4 गया तो 3, ये बच गया कितना तो 2, और ये 4/9 9 0, यानी इसको और काटेंगे तो 47 बार में कटेगा, कितना बार में 47 बार में, ये 110, यानी आ गया कितना तो आ गया 1+1+47/110, इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना 157/110, यही आंसर हो गया हमारा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 0.018 का अभिव्यक्ति करें, 0. इसको अभिव्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए हम 18 है, यानी 18 इसके आगे 0 है, इसको इसका रेकरिंग नहीं, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे तो 2 को पर रेकरिंग है, यानी 2 9 एक पर रेकरिंग नहीं है, यानी 0 पर रेकरिंग नहीं है, यानी 0, यानी कितना इसको काटेंगे आसान से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा तो 9 बार में कटेगा, ये तो ये कितना बार में कटेगा तो 4 9 5, आइए 9 से ये 55 बार में कटेगा, यानी 1/55 इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.56, यानी 56 पर रेकरिंग है, इसको बनाना है 2+56 का रेकरिंग, यानी 2+56/2 9, यानी हो जाएगा कितना इसका तो 2.56/99, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव प्रणाली में 7/8 का किस प्रकार लिखा जाएगा, तो 8 को 73 से भागा देंगे तो 9 बार में लगेगा, यानी 9 ठीक 72, यानी 9 यानी 1, यहाँ नहीं कुछ आता दशमलव, उसके बाद कितना बार में लगेगा तो यहाँ 0, एक बार में लगेगा यानी 8, फिर कितना आएगा तो 20 आएगा, कितना आएगा तो 20, ये फिर 9 2 18 लगेगा 20, तो 9 2 18 फिर कितना आएगा 8 2 16 लगेगा, 8 2 16 बच गया कितना तो 4, फिर 8 5 40 से यानी कट जाएगा तो कितना आएगा तो 9.125, कितना आएगा तो 9.125, यानी कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44/5% + 4/ यानी कितना है तो 4 44 है 44 + 4 = 5 है, तो आगे हम क्या करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 5, ब्रैकेट में लिख लेंगे परसेंटेज, इसको कितना है तो 44 है + 4 + 0.4, इसको करने के लिए क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो 48.4/5, यानी कितना हो गया तो 48.44 हो गया, ये परसेंटेज भी हो गया तो 48.4% का नीचे 500, यानी कितना हो जाएगा तो 484/5, यानी दशमलव आगे चल जाएगा, यानी दशमलव आगे जाएगा, यानी 0.484 हो जाएगा, तो फिर इसको क्या करेंगे इसको अगर भाग देंगे, इसको फिर कर भाग देंगे 5 से तो कितना जाएगा तो 0.0968 आएगा, यानी यही हमारा आंसर हो गया, तो आंसर कौन सा होगा तो 0.689, यानी कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है
0.3/1000, यानी इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो 0.3/1000 को क्या लेंगे, तो 10^3, ये फिर 3 नीचे का 10 जाएगा गुना 10^3, यानी कितना हो जाएगा टोटल, तो 3/10^4 हो जाएगा, यानी 3×10^4 ऊपर जाएगा तो -4, यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 2^1/25, यानी 25×50 = 51/25, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, भाग देंगे, कितना आएगा, तो 2.04 इज राइट आंसर, यानी कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकंड होते हैं, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है, इसको सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, 24 को अगर घंटा बनाएंगे तो 24 घंटा होता है, इसको मिनट बना लिए, इसमें और 60 से भाग देंगे तो ये सेकंड बन गया, कितना बन गया सेकंड, अब इसको गुना करेंगे तो गुना अब कितना देर दिया गया है, तो 7 मिनट 12 सेकंड दिया गया, 7 मिनट और 12 सेकंड, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, मिनट को अगर सेकंड बदलेंगे, यानी कितना से गुना करेंगे, तो 60 से गुना करेंगे, +12, यानी कितना हो जाएगा, तो सचा का 42 +12, यानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 4 3 2, यानी 432 हो जाएगा, इसको हम फ्रैक्शन में क्या करने के लिए क्या करेंगे, तो 4 3 2/, ये वहाँ कितना था, तो वहाँ 24×60×60 था, इसको काटने के लिए क्या करेंगे, इसको काटने के लिए आगे करेंगे, तो ये 24 से कट जाएगा कितना बार में, तो ये 24 से 18 बार में कटेगा, ये 9×2=18, तो ये कितना बार में, तो ये 30 बार में कट जाएगा, ये 3×3=9, तो ये कितना बार में, 10×3=30, ये 30×2=60, यानी 20, यानी कितना हुआ था, 1/200, यानी 20×200, यानी 1/200 इज राइट आंसर, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके।